हाय एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ एंड इट इज वाइंड अप बाय लॉ ओनली। मतलब कंपनी को लॉ बनाया है और लॉ ही उसको बंद करेगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी को वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। जैसा पार्टनरशिप में होता है ना, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, जहां पे हम पार्टनरशिप को बंद कर देते हैं, वैसी कंपनी को बंद करते हैं, तो इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब आप वाइंडिंग अप बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला है वॉलंटरी बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर। अभी वॉलंटरी रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर में क्या होता है, सोचो कंपनी अच्छा नहीं कर रही, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही, लॉस पे लॉस हो रहा है और अभी हैट्रिक मार दिया लॉस का, तो मेंबर्स ने आपस में डिसाइड किया कि बेटर हम कंपनी क्लोज कर देते हैं। फिर ऐसा केस में मेंबर आपस में मीटिंग रखे और रिजोल्यूशन पास किए। रिजोल्यूशन ये लोग सबमिट करेंगे कोर्ट में, द रिजोल्यूशन सबमिटेड टू द कोर्ट। फिर ऐसा केस में क्या होगा, कोर्ट को सबमिट करेंगे, इन दैट केस कोर्ट विल अपॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर। दूसरा वाइंडिंग अप और एक तरीके से हो सकता है, मैंडेटरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट ऑर्डर। अब ये क्या होता है, ऐसा हुआ कि कंपनी ने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया था और कंपनी टाइम पे पैसा नहीं दे पाई, तो जो आउटसाइडर लोग हैं वो लोग ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है और कंपनी में कुछ घोटाला चल रहा है। और या तीसरा दूसरा कारण हो सकता है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रहे, मतलब कोई आउटसाइडर ने कोर्ट में केस किया, आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं मैंडेटरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट ऑर्डर। जिन्हें कंप्लेंट कर दिया अगर कोर्ट को, कोर्ट विल कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, सच और झूठ का पता लगाने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंगली ये टीम अपना रिपोर्ट देंगे कोर्ट को और इन उसके बाद कोर्ट विल अपॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब आप ऑफिशियल लिक्विडेटर क्यों अपॉइंट करते हैं, कंपनी चलाती है मैनेजमेंट, कल अगर मैनेजमेंट को ये काम दे देंगे तो मैनेजमेंट कल पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से पैसा नहीं देंगे किसको भी, तो इसीलिए कोर्ट विल अपॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर। मैं भी एक फॉर्मेट आपको देता हूं, ध्यान देना फॉर्मेट। देखो लिक्विडेटर जब अपना एसेट्स पूरा बेचता है, लायबिलिटी पे करता है, तो एक स्टेटमेंट बनाता है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसके दो साइड होते हैं, एक साइड लिख देना रिसिप्ट, एक साइड लिख देना पेमेंट। अब रिसिप्ट में क्या क्या होता है, लिखना टू एसेट रियलाइज, पैसा कहां कहां से आ सकता है, एक तो बैंक बैलेंस होगा कंपनी के पास, दूसरा अदर एसेट। अदर एसेट में दो हो सकते हैं, फिक्स्ड और करंट एसेट। जैसे कि फिक्स्ड का नाम लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब सेल कर दिया लिक्विडेटर ने। सेकेंड होता है करंट एसेट में स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, तो ये सब जो सोल्व कर दिया वो लिखते जाओ। नेक्स्ट है और पैसा कहां से आ सकता है, टू सरप्लस रिसीव फ्रॉम मॉर्गेज। हो सकता है जैसे एग्जांपल, मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूं उसको मैंने उस पे लोन लिया, मैंने मेरा क्लास है 30 लैक्स का और मैंने लोन लिया है 20 लैक्स का, तो कल अगर लायबिलिटी पे करने का बारी आएगा तो बैंक वाले मेरा क्लास बेचेंगे और बेच के 30 लाख मिला, उसको बोलते हैं सेल प्रोसीड, उसमें से अपना 20 लाख कट कर लेंगे, मुझे नेट देंगे। क्लियर ना। नेक्स्ट, तो इसमें सरप्लस लिखने का, जब भी कभी कोई चीज ऐसा किसी के पास सिक्योरिटी दिया होगा तो अपना नेट लिखेंगे आप। नेक्स्ट टू और पैसा कहां से आता है, तो पहला अपना एसेट्स बेच के, दूसरा सरप्लस, और तीसरा है कॉल ऑन इक्विटी शेयर। हो सकता है कंपनी ने कुछ लोग कॉल करना बाकी है अभी भी, तो उनसे कॉल से पैसा आएगा। तो रिसिप्ट तीन ही होंगे, याद रहेगा रिसिप्ट क्या क्या होंगे, एसेट से होंगे, सरप्लस से होगा, कॉल से होगा। पेमेंट का ना बच्चों एक ऑर्डर है, मैं पांच बोलता हूँ, पांच पॉइंट आप ध्यान देना, पांच पॉइंट। तो पहला है, कभी भी जैसी पेमेंट आएगा तो लिक्विडेटर पहला अपना रेमुनेशन निकालने का, पहला रूल है लिक्विडेटर रेमुनेशन दे दो और एक्सपेंस लिक्विडेशन। ऐसा क्यों है, देखो एक आदमी अपना काम करता है, प्रोफेशनल काम कर रहा है, तो पहला उसको उसका पगार मिलना चाहिए, तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन और एक्सपेंस लिक्विडेशन सबसे पहला आप लिखेंगे। सेकंड है सेकंड ऑर्डर, पहला आप लिक्विडेटर का पैसा देते और उसका एक्सपेंस देते लिक्विडेशन का। सेकंड है डिबेंचर होल्डर का पैसा देने का, ऑर्डर नंबर टू डिबेंचर होल्डर का पैसा देते। अब डिबेंचर होल्डर में क्या क्या आएगा, एक तो डिबेंचर जितना भी रहेगा वो पे कर दो और इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ द पेमेंट का मतलब होता है,
एज्यूम करो ईयर एंडिंग दिया 31 मार्च 2018 और लिक्विडेटर को सब सेटल करने में 3 महीना लग गया, तो डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर का पैसा तो आपने दिया प्लस वो 3 महीने का ब्याज भी देना पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ द पेमेंट। तो स्टूडेंट दो बात समझा, तो सबसे पहले किसका पैसा देंगे, लिक्विडेटर का पैसा दे देंगे। सेकंड किसका पैसा देंगे, डिबेंचर होल्डर लोग का। जब डिबेंचर होल्डर का पैसा दोगे तो डिबेंचर का भी पैसा देना प्लस इंटरेस्ट देना टिल द डेट ऑफ द पेमेंट। तीसरा पैसा किसका देंगे आप, थर्ड पेमेंट किसका करेंगे, थर्ड पेमेंट हम करेंगे क्रेडिटर का। अब सुनो, क्रेडिटर में दो क्रेडिटर होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किसको बोलते हैं, मैं नीचे बताया व्हाट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं, सबसे पहला गवर्नमेंट टैक्स, इसमें क्या क्या आएगा, ऑल टैक्स सेस ड्यू फ्रॉम कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी विद इन द लास्ट 12 मंथ। मतलब गवर्नमेंट का पैसा पहले देने का, गवर्नमेंट का पैसा पहले देने का क्रेडिटर में, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लेकिन लास्ट 12 मंथ का ही लेने का। सेकेंड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में अमाउंट पेबल टू वर्कर और एम्प्लॉय। देखो कंपनी ने कुछ गलत किया तो कंपनी का गलती का सजा हम वर्कर को क्यों दें, इसीलिए वर्कर का पैसा पहले देने का, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब उसमें दो बातें, उनका जो वेजेस सैलरी है, उनका जो वेजेस सैलरी है उसके लिए लिमिट दिया है मैक्स 20,000 पर एम्प्लॉय, मैक्स 20,000 पर एम्प्लॉय को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, लेकिन मैक्स 4 मंथ का ही सैलरी और वेजेस लेने का। दो बातें ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैक्स 20,000 पर एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय को देना था 30,000 तो उसमें से केवल 20,000 को ही प्रेफरेंशियल माना जाएगा और 10,000 को अनसिक्योर क्रेडिटर माना जाएगा। वैसे किसी का पगार सोचो 6 मंथ से नहीं दिया है तो केवल 4 मंथ का पगार को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा और 2 मंथ का पगार को अनसिक्योर क्रेडिटर माना जाएगा। नेक्स्ट, वर्कर लोग का और भी कुछ पेमेंट होता है जैसे कि हॉलीडे रेम्यूनरेशन, लीव सैलरी जिसको बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन टू ESI, कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट। जैसे कि कल एक वर्कर था हमारे पास काम करने के लिए आता था, जब काम पे आता था तो उसके पास 2 हाथ थे, एक दिन एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ इधर मशीन में छूट गया 1 हाथ, और बेचारा वो घर पे भी अपना 1 ही हाथ लेके गया। कल वो कंपनसेशन मांगेगा या कल कुछ हादसा हो गया तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो डेथ ऑफ डिसेबलमेंट में जो कंपनसेशन पे करते हैं वो भी आता है। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड। लेकिन एक अच्छी बात ये है, जितना भी ये कंपनसेशन होते हैं उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट और वर्कमैन कंपनसेशन। जैसे कल कंपनी बंद हो जाता है तो देते हैं ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड देते हैं, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। मतलब लिमिट किसके लिए स्टूडेंट, वेजेस और सैलरी के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए लिमिट नहीं है। और तीसरा होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिट में इन्वेस्टिगेशन सैलरी विदाउट एनी लिमिट, इन्वेस्टिगेटिव का जो सैलरी होता है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, प्रेफरेंशियल हो गया। नाउ ओवरऑल फिर फर्स्ट रिकॉल कर लेते हैं, तो पेमेंट में आप पहले किसको देंगे, तो पहला हम देंगे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और उसका एक्सपेंसेस, सेकंड किसको देंगे डिबेंचर होल्डर को देंगे, तीसरा किसको देंगे क्रेडिटर को। क्रेडिटर में दो होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर क्रेडिटर। बताया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अभी मैंने बताया था 3 थे, एक तो गवर्नमेंट ड्यूज, दूसरा वेजेस सैलरी और तीसरा इन्वेस्टिगेशन का सैलरी। इनको छोड़ के सबको आप ट्रीट करना अनसिक्योर क्रेडिटर। एक बार क्रेडिटर का पेमेंट हो गया तो चौथा नंबर आता है प्रेफरेंशियल होल्डर का। अब प्रेफरेंशियल होल्डर, नाम ही उनका प्रेफरेंशियल होल्डर है, तो वो लोग इक्विटी से पहले उनको देना है, तो प्रेफरेंशियल होल्डर में सबसे पहले पे करना है प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल दे देंगे, ऐसा भी तो होता है प्रेफरेंशियल का जो डिविडेंट है 2 साल से नहीं दिया उसको बोलते हैं एरियर्स प्रेफरेंस डिविडेंट, तो वो भी साथ में देना एरियर्स डिविडेंट। इनका अगर पेमेंट हो गया तो लास्ट नंबर आता है उसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो वापस फास्ट रिकॉल कराता हूं, पेमेंट रिसिप्ट और पेमेंट दो लिखेंगे आप। रिसिप्ट में यही लिखेंगे एसेट रियलाइज, सरप्लस लिखेंगे और कॉल, ये सेट 3 याद रखना और ये सेट 5 है। 5 क्या क्या है, फर्स्ट लिक्विडेटर रेमुनरेशन एंड एक्सपेंसेस, सेकेंड डिबेंचर होल्डर, थर्ड क्रेडिटर में दो है प्रेफरेंशियल अनसिक्योर्ड, फोर्थ प्रेफरेंशियल होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर।
अब इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चंस करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ओके सो लेट अस स्टार्ट. ए लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 दिसंबर 2016. देयर बैलेंस शीट दे आर गिवन टू यू. ये रहा लाइबिलिटी और ये रहा एसेट. लाइबिलिटी में 5000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अमाउंट है 5 लाख. 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 75 पेड. मतलब इनको कॉल कर सकते हैं कंपनी 1,87,500. 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 60 पेड 4,50,000. 15% डिबेंचर 2,50,000. डेबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है 37,500. क्रेडिटर 3,18,750. अब आते हैं कंपनी का कुछ एसेट्स है. लैंड एंड बिल्डिंग 2,50,000. प्लांट एंड मशीनरी 6,25,000. पेटेंट 1 लाख. स्टॉक 137,500. ट्रेड रिसीवेबल 2,75,000. कैश 75,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है कंपनी का 2,81,250. अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरियर्स पर 2 ईयर्स. 2 साल से प्रेफरेंशियल होल्डर लोग को हमने डिविडेंड नहीं दिया. क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. बताया था ना थ्योरी मैंने कि क्रेडिटर जो है ना उसके अंदर 2 होते हैं. एक होता है प्रेफरेंशियल, दूसरा होता है अनसिक्योर. तो बोलते हैं जितना भी क्रेडिटर है ना उसमें इतना प्रेफरेंशियल तो बाकी अनसिक्योर क्रेडिटर होंगे. एसेट रियलाइज एज फॉलोज. लैंड बिल्डिंग 3 लाख. प्लांट मशीनरी 5 लाख. पेटेंट 75,000. स्टॉक 1,50,000. ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख. द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इतना हुआ है. इसको बताया था ना ऑर्डर में सबसे पहला पैसा इन्हीं का देना है. और लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 3% ऑन ऑल एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश. अज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट इंक्लूड दोस ऑन डिबेंचर इज मेड ऑन 30 जून. सो द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑन अकाउंट. कंपनी का नाम लिख दो. आंसर स्टार्ट करते हैं. कंपनी का नाम लिख दो ऊपर, बाद में लिखो लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट. 2 साइड होते हैं रिसिप्ट और पेमेंट. पैसा आएगा तो रिसिप्ट, पैसा जाएगा तो पेमेंट. रिसिप्ट में लिखेंगे टू एसेट रियलाइज. अब एसेट रियलाइज में क्या क्या लिखेंगे. पहला तो बैंक बैलेंस है 75,000. इसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे. नेक्स्ट एसेट रियलाइज क्या क्या हुआ क्वेश्चन देखेंगे हम. लैंड बिल्डिंग 3 लाख. प्लांट मशीनरी 5 लाख. पेटेंट 75,000. स्टॉक 1,50,000. ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख. इन सबको हम लोग आंसर में लिखेंगे क्योंकि दे आर रियलाइज्ड. लिख देंगे अदर एसेट. तो अदर एसेट में क्या क्या. लैंड 3 लाख का इनर कॉलम में लिखेंगे. लैंड 3 लाख. मशीनरी 5 लाख का सेल हुआ. पेटेंट अमाउंट 75,000. स्टॉक 1,50,000. एंड द लास्ट डेटर 2 लाख. इन सबको प्लस करोगे तो हमें अदर एसेट्स कितना मिला. अदर एसेट्स 12,25,000. याद करो इसके ऊपर कमीशन देना था इसीलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है. ओके ये तो हो गया हमारा रिसिप्ट. अब हम बात करते हैं पेमेंट का. क्वेश्चन में देखेंगे पेमेंट में याद करो ऑर्डर. मैंने बताया ना सबसे पहला पैसा किसका देने का. लिक्विडेटर का रेम्यूनेशन और एक्सपेंसेस. यहाँ देखिए क्वेश्चन में द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन इज 27,250 और लिक्विडेशन कमीशन देना 3% ऑन एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. लिक्विडेशन एक्सपेंस था 27,250. नेक्स्ट हमें देना लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन 12,25,000 के ऊपर
कितना परसेंट देना था, उसके ऊपर देना हमें 3% कमीशन। तो 12,25,000 के ऊपर 3% आप निकालोगे तो अमाउंट आएगा 36,750। ये प्रायोरिटी में देना है। नेक्स्ट केस को पे करना है, डिबेंचर होल्डर लोगों को पे करना है, तो लिखेंगे बाय डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर को कैसे देंगे, डिबेंचर होल्डर ने बताया था सर ने, फॉर्मेट आप देख लेना फिर से, डिबेंचर को देना है पहले डिबेंचर को। तो डिबेंचर होल्डर सबसे पहले लिखो डिबेंचर, तो डिबेंचर का अमाउंट है 2,50,000, डिबेंचर का अमाउंट 2,50,000। देखो डिबेंचर होल्डर का अमाउंट है 2,50,000, वो हम देंगे, उनका इंटरेस्ट देना बाकी है ना 37,500 प्लस। नाउ क्वेश्चन में एक नीचे एक लास्ट में एक एडजस्टमेंट था, assuming that the final payment include those on the debenture made on 30 June और हमारा year ending है December और हम लोग final settlement के 30 June को, मतलब 6 महीने का extra ब्याज देना पड़ेगा उनको debenture holder लोग को। balance sheet का date है 31 December 2016 और settlement हो रहा है 30 June 2017 को, तो 6 महीना और late pay किया ना debenture holder को, तो उनको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो आ जाओ आंसर, डिबेंचर होल्डर का 2,50,000 पे करेंगे, उनका इंटरेस्ट एक्रूड था, इंटरेस्ट एक्रू जो आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा था, अमाउंट था 37,500 प्लस इंटरेस्ट कभी तक का इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट निकालेंगे 2,50,000 के ऊपर, 2,50,000 के ऊपर कितना परसेंट, 15% फॉर हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ टिल द डेट ऑफ द सेटलमेंट। ये इंटरेस्ट कहां से कहां तक का है, 1/1/17 टू 30 जून तक का इंटरेस्ट, 30 जून 2017 तक का इंटरेस्ट है। क्लियर, इंटरेस्ट कैसे निकाले और इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,15,000 के ऊपर 15% 6 मंथ का निकालोगे तो अमाउंट आएगा 18,750। इनको प्लस के बाहर निकाल देना, टोटल आएगा 3,06,250। नेक्स्ट लिक्विडेटर का पेमेंट हो गया, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट हो गया, अब अगला हम पेमेंट करेंगे बाय क्रेडिटर। अब याद करो क्रेडिटर सर ने दो बताया था ना, क्रेडिटर दो होते हैं, तो बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर में दो पेमेंट करेंगे, पहला पेमेंट करेंगे हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट पहले करेंगे। अब वो कैसा आएगा क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 38,000 और क्रेडिटर का अमाउंट कितना था, क्रेडिटर का अमाउंट 3,18,715 और नीचे एडजस्टमेंट बोले थे क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 38,000, मतलब 3,18,750 के अंदर इतना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो बाकी अनसिक्योर क्रेडिटर है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना लिखेंगे हम लोग, 38,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिखेंगे 38,000 और बैलेंस क्या बोलेंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर, बैलेंस को बोलेंगे हम लोग अनसिक्योर क्रेडिटर। अब अनसिक्योर क्रेडिटर हम कैसे निकालेंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर टोटल कितना था, 3,18,750 उसमें से माइनस कर देंगे माइनस 38,000 क्योंकि 38,000 इज द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो बैलेंस आएगा 2,80,750। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया पेमेंट, क्रेडिटर दो पेमेंट था प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड। अब क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आएगा फॉर्मेट में, बाय प्रेफरेंशियल होल्डर का। नेक्स्ट पेमेंट करेंगे हम लोग बाय प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का। अब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में कौन आते हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल और उनका डिविडेंड आता है एरियर्स डिविडेंड। अब आते हैं क्वेश्चन में, प्रेफरेंशियल कैपिटल का अमाउंट 5 लाख और उनका एडजस्टमेंट में लिखे थे प्रेफरेंशियल कैपिटल प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरियर्स फॉर 2 ईयर। प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखेंगे 5 लाख
और उनका एरियर्स डिविडेंड 2 ईयर्स का 1 लाख। तो अभी तक हम लोग 4 लोग को मेन पेमेंट कर दिए, लिक्विडेटर को, डिबेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को और प्रेफरेंशियल होल्डर को, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को। अब लास्ट पेमेंट आता है बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर का। अब इक्विटी शेयर को पेमेंट करने के लिए हम लोग एक कुछ वर्किंग करेंगे, जरा ध्यान देना वर्किंग, मेरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्किंग करने जा रहा हूं मैं। टोटल टोटल ऑफ रिसिप्ट करेंगे, टोटल ऑफ द रिसिप्ट 75,000 प्लस 12 25,000, इसका टोटल करेंगे और पेमेंट का टोटल हम अलग करेंगे तो अमाउंट आपको आएगा 13 लाख आएगा, टोटल ऑफ द रिसिप्ट आएगा 13 लाख। जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही करना है, एग्जाम में देखना एकदम इजी लगेगा। टोटल ऑफ द रिसिप्ट आप करो 13 लाख, रिसिप्ट साइड आपके पास इतना पैसा कलेक्शन हो गया लेकिन आपका खर्चा भी तो है, तो लेस लेस टोटल ऑफ एक्सपेंस, टोटल ऑफ द पेमेंट कर लो, लेस टोटल ऑफ द पेमेंट। तो कितना पेमेंट हुआ था, पेमेंट टोटल करोगे तो अमाउंट आएगा 12,89,000। समझाइए अमाउंट कहां से आएगा, रिसिप्ट का टोटल माइनस पेमेंट का टोटल। ये टोटल किधर से आएगा, रिसिप्ट का टोटल माइनस पेमेंट का टोटल। अब रिसिप्ट में से आप पेमेंट माइनस करोगे तो आपके पास पॉजिटिव अमाउंट आता है, आपके पास बैलेंस आता है 11,000 का, मतलब आपके पास 11,000 रुपया है। इसको बोलते हैं बैलेंस अवेलेबल फॉर, बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर लोग को 11,000 रुपए हम दे सकते हैं। 2,500 इक्विटी से 100 ईच था, 75 पेड, 7,500 इक्विटी से 100 ईच 60 पेड। इक्विटी शेयर में दो दो इक्विटी शेयर, एक का पेड अप 75, एक का पेड अप 60 है। इक्विटी का मतलब होता है सेम, तो इन दोनों सेम किधर है, एक ने 75 रुपीज दिया एक ने 60 रुपीज दिया है, तो कंपनी एक से कॉल कर सकती है, कितना कॉल कर सकती है 15 रुपया, इनसे 15 रुपया हम कॉल करेंगे, लेकिन हम कॉल नहीं करेंगे, कारण बताते हैं आपको। अब आ जाओ आंसर में, तो बैलेंस हमारे पास 11,000 रुपए बचा है। अब हम लोग करेंगे नोशनल कॉल करने का, एड नोशनल कॉल। सर नोशनल कॉल किसको बोलते हैं, नोशनल मतलब काल्पनिक है, झूठ मूठ का है, रियल कॉल नहीं किया अभी तक। एड नोशनल कॉल, एड नोशनल कॉल, नोशनल कॉल कितना करेंगे, 7,500 लोग से 15 रुपए हम कॉल करेंगे, तो कितना पैसा आएगा, कॉल कर तो पैसा आएगा, तो पेमेंट आएगा 1,12,500, इतना कलेक्शन और होगा, इससे हमारा पैसा बढ़ जाएगा। अभी हमारा पैसा हो गया 1,23,500। यहां तक समझा आपको, टोटल ऑफ द रिसिप्ट हमारे पास 13 लाख, टोटल ऑफ द पेमेंट 12,89,000, हमारे पास बैलेंस बचा 11,000 फॉर पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर। हमने कॉल करेंगे नोशनल कॉल, 7,500 लोग से 15 कॉल करें तो सब सेम हो जाएंगे, तो इतना आएगा हमारे पास इतना पैसा 123,500। इसको बोलेंगे ये पूरा क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, रिफंड किसको करेंगे, टू इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर एक दो नहीं है स्टूडेंट, इक्विटी शेयर होल्डर तो उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और इक्विटी शेयर कितने मालूम है, 10,000 है। कैसे है 10,000 सर को, 2,500 प्लस 7,500 तो आंसर 10,000 शेयर होल्डर है हमारे। इसको लिख देंगे हम लोग ए, इसको लिख देंगे बी, तो रिफंड पर शेयर कैसा आएगा, रिफंड पर शेयर, रिफंड पर शेयर कैसे निकालोगे, रिफंड पर शेयर ए डिवाइड बाय बी करने का, रिफंड पर शेयर कैसे निकालो, ए डिवाइड बाय बी, तो आंसर आएगा आपको 12.35 पर शेयर, इतना रिफंड करना है आपको 12.35 पर शेयर, इतना समझा आपको। अब रुको और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चन में एक बार देख लो, क्वेश्चन में हमारे पास दो शेयर होल्डर है, 2,500 इक्विटी शेयर 75 पेड अप है और 7,500 शेयर 60 पेड अप है। वर्किंग नोट नंबर टू, वर्किंग नोट नंबर टू, आप बीच में लिख देना इक्विटी शेयर, जैसे मैं टेक्निक सिखा रहा हूं ध्यान देना इसको, ऐसी कर हर क्वेश्चन आप इसी तरीके से करें एकदम इजी लगेगा आपको। इक्विटी शेयर आप क्या काम करो, दो बनाओ, दो इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर, एक है, एक है 2,500 इक्विटी शेयर से, एक है 2,500 इक्विटी शेयर से और दूसरा था 7,500 इक्विटी शेयर से,
2500 लोग का पेड अप कितना पेड अप, उन्होंने कितना पैसा दिया कंपनी को आज तक 75 पर शेयर कितना रुपया दिया था, इनका पेड अप कितना है, इनका पेड अप, इनका पेड अप है 60 पर शेयर। क्लियर, ये मैंने क्वेश्चन में से निकाला, क्वेश्चन में से निकाला। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, नोशनल कॉल हमने किससे किया था, 7500 इक्विटी शेयर से 15 रुपए कॉल किए थे, तो ऐड इसमें ऐड करेंगे, ऐड नोशनल कॉल, ऐड नोशनल कॉल, तो कितना नोशनल कॉल किए थे हमने, 15% नोशनल कॉल किए थे हमने, नोशनल कॉल किया था 15%, नोशनल कॉल ऐड कर देंगे तो दोनों का पेड अप 75 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा नीचे आओ, रिफंड भी तो करना है दोनों को, 12.35, जब रिफंड करोगे तो माइनस होगा, तो लेस, लेस रिफंड हम दोनों करेंगे, लेस रिफंड, कितना रिफंड करोगे, 12.35 इसको रिफंड करोगे पर शेयर, और इसको रिफंड करोगे लेस रिफंड, लेस रिफंड कितना, 12.35 पर शेयर, दोनों को आप रिफंड करोगे ना स्टूडेंट, इनको और इनको। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमने कॉल किया 15 रुपए पर शेयर, बोला दे दो कॉल का पैसा आखिरी कॉल, और उनको थोड़े टाइम के बाद उनको रिफंड दिया, तो शेयर होल्डर भड़क जाएंगे, बोलेंगे यार एक तो कॉल करता है फिर से रिफंड देता है, फालतू टाइम पास करते हो। उसके हम लोग क्या करेंगे, इनसे हम ना नेट कॉल करेंगे, इनसे हम नेट कॉल करेंगे, तो नेट कॉल कितना करेंगे हम लोग, इनका डिफरेंस 15 - 12.35, तो आंसर आता है प्लस में, नेट कॉल कितना करेंगे 2.65, इतना हम लोग कॉल करेंगे, हम लोग नोशनल कॉल करेंगे 15 रुपया कॉल के 15, हमें रिफंड करना था दोनों को 12.35, दोनों को रिफंड के 12.35, तो हम नेट कॉल करेंगे इनसे 2.65, क्योंकि एक बार कॉल करेंगे बार रिफंड करेंगे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम उनको नेट कॉल करेंगे 2.65 का। जब ये करोगे ट्रांजेक्शन, तो जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो नेट आंसर आएगा 62.65 पर शेयर। देखो 75 में से केवल इतना ही आपको रिफंड मिला, इसका ना बाकी को बोलेंगे लॉस, ये लॉस पर शेयर है। वैसी 60 में 15 ऐड करो, 12.35 लेस करो, तो आंसर आएगा सेम 62.65 पर शेयर, ये भी लॉस है। आप कोशिश करना, आपको कैसे पता चलेगा अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है। देखो जो लॉस होता है ना, दोनों को सेम होना चाहिए, अगर ये लॉस दोनों को सेम हो रहा है तो आपने एकदम बराबर कैलकुलेशन किया है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर दोनों मेरे लिए सेम होते, इक्विटी का नाम क्या होता है, दोनों मेरे लिए सेम है, तो दोनों को लॉस सेम होना चाहिए, इनको लॉस 62.65 है तो इनको भी लॉस 62.65 होना चाहिए। व्हाट इज द मोर द स्टोरी, इनको कॉल करेंगे 2.65, इनको रिफंड करेंगे 12.35, टू कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, लेकिन कितना कॉल करेंगे 7500 इनटू 2.65, आंसर आएगा 19875 कॉल किए, नेट कॉल किया, ये नेट कॉल है याद है ना, नेट किया था कॉल 2.65 नेट कॉल। और याद करो कुछ लोगों को रिफंड करना था तो उनको रिफंड करेंगे, तो बोलेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर, बाय इक्विटी शेयर होल्डर कितना रिफंड करेंगे, केवल 2500 लोग को ही रिफंड करेंगे, कितना रुपीस रिफंड करेंगे 12.35 पर शेयर, आंसर आएगा आपको 30875। और लास्ट में भी कुछ करना नहीं, अभी टोटल करना है सबका, इसका टोटल करोगे तो रिसिप्ट आएगा आपको, टोटल कर लेना, टोटल करो तो अमाउंट आएगा 13,19,875। ये पेमेंट का तो भी टोटल कर लेना, पेमेंट टोटल पूरा कर लेना, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस, डिबेंचर, क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी से कैपिटल सबको प्लस करोगे तो टोटल आएगा आपको 13,19,875। ओके, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एक बार फास्ट रिवाइज करा देता हूं, करना क्या है, सबसे पहला आप एसेट रियलाइज लिख दो, और जितना भी लिख दो एसेट रियलाइज, बैंक बैलेंस और अदर एसेट लिख दो, बैंक बैलेंस और अदर एसेट लिख दो। और पेमेंट में 5 पेमेंट आप ऑर्डर याद रखो, लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस और रेमुनरेशन पहले देंगे, लिक्विडेटर का एक्सपेंस और रेमुनरेशन दे दो, डिबेंचर होल्डर विद उनका इंटरेस्ट भी देना टिल द डेट ऑफ द सेटलमेंट,
क्रेडिटर में दो है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अनसिक्योर्ड और बाद में प्रेफरेंशियल होल्डर में प्रेफरेंशियल कैपिटल और एरियस डिविडेंड। सबसे इंटरेस्टिंग है लास्ट का वर्किंग था मेरा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखो क्या करना, रिसिप्ट का टोटल कर लो और पेमेंट टोटल कर लो, रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करो तो आंसर आता है 11,000। स्टूडेंट प्लस आएगा माइनस आएगा, अब उसका चिंता मत करो, जो आंसर आएगा अगर यहाँ प्लस आएगा, हो सकता है अगला क्वेश्चन में माइनस आएगा तभी भी यहाँ ही लिखना। तो बैलेंस अवेलेबल टू बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब प्रॉब्लम क्या आता है, इसको बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इतना है, हम लोग नोशनल कॉल करेंगे। क्यों? देखो इक्विटी शेयर हमारे पास दो थे ना, 2500 और 7500। जो 2500 उन्होंने 75 पेडअप किया है, ये लोगों ने केवल 60 पेडअप किया, तो ये लोग से 15 रुपए हम कॉल कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं नोशनल कॉल। तो 7500 लोग से 15 रुपए कॉल करेंगे हम लोग, तो अमाउंट आएगा 1,12,500। तो रिफंड कितना देंगे हम लोग, 1,23,500। लेकिन एक दो शेयर होल्डर नहीं है, 10,000 लोग है, तो हर एक को रिफंड कितना मिलेगा, 12.35। तो रिफंड दोनों को दोगे आप, तो आ जाओ इनको भी रिफंड दोगे, इनको भी रिफंड दोगे, तो 75 में से 12.35 रिफंड कर दोगे, तो लॉस आएगा 62.65। अभी पैसा नहीं है कंपनी के पास, यहाँ पर 60 में 15 झूठ मूठ का कॉल किया, इतना रिफंड करोगे तो हम डायरेक्टली नेट कॉल करते हैं उनसे 2.65 का, तो नुकसान दोनों को सेम होना चाहिए। ओके, एसबिंग वीडियो समझ में आया अच्छे से, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ लिक्विडेशन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, फ्रेंड लोग से शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।